हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं कुछ जेड प्लांट्स को ट्रांसफर करने वाली थी। इनकी रूट काफी बॉन्ड हो गई हैं और काफी छोटी ट्रे में ये लगे हुए थे, तो एक बड़ी ट्रे भी मैं इसके लिए देख रही थी। जो मुझे मिल गई है तो मैं इसमें इसे लगाऊंगी और साथ में हम कुछ बात करेंगे इसकी केयर्स की और इसको किस तरह से आप जल्दी बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप बोनसाई बना सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे प्लांट्स जो मैंने अभी करीब साल दो साल पहले ही लगाए हैं, वो भी मैंने यहीं आसपास रखे हैं। और ये प्लांट ज़्यादा पुराना नहीं है, करीब 4 साल पुराना है। और आज मैं इसके बारे में भी बात करूँगी कि इस तरह से इसकी जो रूट्स काफ़ी थिक हो जाती हैं, इनको किस तरह से आप कर सकते हैं। इसकी भी कई ट्रिक मैंने खुद आजमाई हुई हैं, वही मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और सॉइल मिक्स इसका किस तरह का होगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो सॉइल ही आती है कि जब भी हम कोई प्लांट लगा रहे हैं तो किस तरह की सॉइल तैयार की जाए जो इसके लिए सुटेबल हो। तो इसमें दो बात है, अगर आप लगा रहे हैं इसे एकदम से, आपके पास तैयार जेड बोनसाई है तो आप उसे लगा सकते हैं। जो स्पेशल सॉइल मिक्स होता है जेड प्लांट की बोनसाई के लिए, और नहीं तो अगर आपने अभी ग्रोथ करनी है प्लांट की और आप चाहते हैं कि प्लांट धीरे धीरे बढ़ता रहे, तो उसके लिए जो मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मल गार्डन सॉइल में, थोड़ा सा मैं सैंड यूज़ करती हूँ। जैसे 10% सैंड डाल ली और 20% डाल लिया जो गोबर का खाद होता है, यही सब लगा के बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बहुत छोटा प्लांट लगाने से, वाकई में एकदम बहुत पतली सी स्टिक आपने लगाई है और आप एक प्लांट उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सैंड ज़्यादा रखनी होगी। जैसा कि हम चाहते हैं कि जल्दी से रूट डेवलप हो, जल्दी से प्लांट बड़ा हो, तो उसमें सैंड ज़्यादा रखिए तो बहुत जल्दी उसकी रूट्स आ जाती हैं। सैंड मतलब 50% और 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 10% कोई भी आप कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट या नॉर्मल गोबर की खाद, वो रख सकते हैं। और दूसरी बात करेंगे कि हम किस तरह से इस तरह की रूट डेवलप करें कि बोनसाई का एकदम लुक ही चेंज हो जाए। क्योंकि बोनसाई किसी एक चीज़ से नहीं बनती, छोटा प्लांट है, मोटा है, तो वो प्रॉपर बोनसाई शेप में नहीं आएगा। शेप में तभी आता है प्लांट जब उसकी रूट्स अच्छी तरह से दिखाई दें। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, करीब 4 साल पुराना है, लेकिन इसकी रूट इतनी अच्छी डेवलप हुई हैं कि जिन्हें देख के बड़ा अच्छा सा लुक आता है। और भी मैंने कई प्लांट लगाए हैं, ये भी एक 3-4 साल पुरानी बोनसाई है, और भी बहुत सारी जो मैंने बनाई हैं। मैं क्या करती हूँ कि जब हम छोटी स्टिक लगाते हैं, करीब आप लगा लीजिए 1 इंच मोटाई में या और थोड़ी छोटी, तो उसे लगाने के बाद 4-5 महीने तक हम ऐसे ही लगी छोड़ देते हैं, उसकी रूट्स को डेवलप होने दीजिए। और जैसे ही आपको लगे, थोड़ी मिट्टी साइड में हटा के देखिए कि रूट्स डेवलप हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, तो धीरे धीरे ये फव्वारे के साथ उसकी मिट्टी को जड़ों से हटाना शुरू कर दीजिए। और जिस तरह से आप धीरे धीरे मिट्टी हटाते जाएंगे उसके जड़ों में से, तो वो अपने आप ही उसकी रूट्स डेवलप होती चली जाती है, मोटी होती हैं। अब ये प्लांट मैंने कई साल से लगा रखा है लेकिन इसकी रूट्स ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं हुई हैं, ऊपर ब्रांचेस की काफ़ी अच्छी हुई हैं। बहुत पतली सी ब्रांच लगाई थी मैंने इसकी, और मैं इसे कुछ बनाना चाह रही थी कि जिस तरह से वो होता है क्रिसमस ट्री, उस टाइप का। और ये थोड़ा सा ऊँचा हो गया, नीचे की इसकी जो ब्रांचेस थी वो टूट भी गई दूसरे प्लांट्स के साथ रखने से। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसे ऊपर से जितना मुझे चाहिए उतना कट करके और इसे नीचे वाला प्लांट अलग लगा दूँगी। गर्मियों का मौसम है तो बहुत अच्छे तरह आसानी से ये हो जाती हैं। और थोड़ा सा डर तो ज़रूर लगता है कि जो चलते हुए प्लांट हैं एकदम बढ़िया, उन्हें इस तरह से काटने में, लेकिन हो जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने और भी कई प्लांट इस तरह से किए हैं। तो यहाँ से मैं इसे कट करूँगी करीब 6 इंच ऊपर से, तो इसमें जो न्यू ब्रांचेस निकलेंगी वो एक अलग प्लांट डेवलप हो जाएगा, और जो ऊपर से लगा दूँगी ये एकदम से आ जाएगा।
क्रिसमस ट्री शेप में। देखिए मैंने कर दिया कट, और डर तो लग रहा था पर हो जाएगा प्लांट, मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी है जड़ प्लांट का। तो रूट्स के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं, और एक एनपीके आता है, एनपीके भी आप महीने में एक बार ज़रूर दीजिए। उसमें सभी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं जड़ प्लांट के लिए मिल जाती हैं। थोड़ा सा आप यूरिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मौसम देखते हो, जैसे अब गर्मी है तो आप गर्मी में डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में डालने से जेट प्लांट गल जाता है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसमें मैंने जो सॉइल मिक्स रखा है उसमें थोड़ी ज़्यादा रखी है सैंड, और जब इसमें रूट डेवलप हो जाएंगी तब मैं इसकी जो सॉइल है वो चेंज कर दूंगी। तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है इसमें सॉइल ही होती है। और वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताएं कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। थैंक यू।